देहरादून में बेरोजगार युवाओं के हंगामे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लेते हुए उत्तराखंड नकल विरोधी कानून के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। जल्द ही राज्यपाल की मोहर लगने के बाद उत्तराखंड नकल विरोधी कानून प्रदेश में लागू हो जाएगा। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके दी है। उन्होंने कहा है कि वो नकल माफियाओं को प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। सरकार ने उत्तराखंड नकल विरोधी कानून के अध्यादेश को सहमति देकर भड़के हुए युवाओं को शांत करने का प्रयास कर रही है। देहरादून से अविनाश गुप्ता की रिपोर्ट। किसी भी कीमत पर छात्रों का हित चाहते हैं, इसीलिए हमने जितने भी एग्जाम थे जो भी शिकायतें आई उनको रद्द करने के बाद तत्काल नई तिथि घोषित करी और नई तिथि घोषित करने के साथ ही परिवहन निगम की बसों में एग्जाम में आने वाले परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क व्यवस्था की है। एग्जाम के शुल्क को नहीं लिया गया है।